प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। अहर्निशम सेवा मही की भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत पूरी केंद्रीय कैबिनेट ने उन्हें बधाइयां दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को भी जन्मदिन की बधाई दी। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। देश दुनिया से राजनीतिक हस्तियां भी सोशल मीडिया पर बधाइयां दे रही हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा 7 अक्टूबर तक आयोजित करेगी कई कार्यक्रम। भाजपा 20 दिन तक चलाएगी सेवा और समर्पण कार्यक्रम, इसका भी आयोजन कर रही है। ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जगत प्रकाश नड्डा का लेख, भारत के सामाजिक और सुरक्षा संबंधी परिदृश्य में बदलाव। महामारी के दौरान देशवासियों ने देखा कुशल नेतृत्व। जनता से सीधा संवाद बनाए रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है मोदी का जन्मदिन, लेकिन हमारे लिए तो हर दिन ही होता है सेवा दिवस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, जिन्होंने ये लेख लिखा और खासतौर से शुभकामनाएं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। और इसे लेकर उन्होंने कहा कि आज के परिपेक्ष में, यानी 17 सितंबर जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, महामारी के दौरान देशवासियों ने भी देखा कि किस तरह से देश का कुशल नेतृत्व रहा है। जनता से सीधा संवाद बनाए रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेवा दिवस के रूप में मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए तो हर दिन सेवा दिवस ही होता है।